यदि आप हड्डियों के दर्द, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, बैक पेन या जी चढ़ते समय हड्डियों में दर्द, कटकट की आवाज़ें आना हड्डियों से, ये सभी प्रॉब्लम से यदि आप परेशान हैं, कलाइयों में दर्द से परेशान हैं, एड़ियों में दर्द से परेशान हैं, तो ये सभी दर्द से सिर्फ 3 दिन यदि आप ये नुस्खे को अपनाते हैं तो ये 3 दिन में ही आपकी ये सभी दर्द से आपको ये निजात दिला सकती है। हड्डियों के दर्द को ठीक करने के साथ साथ ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को आने से रोकती भी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही आसानी से आप अपने घर में ही इसे बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत जल्दी असर दिखाती बस है। आपको इस रेमेडी को 3 दिन ही आजमाना है, उसी से आपकी ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये सभी दर्द से आपको निजात मिलेगा। हेलो एवरीवन, नूतन सोल डीएम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है। तो ये रेमेडी बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है। जिन लोगों को अभी भी गर्मियों के मौसम में भी यदि दर्द है, घुटनों में, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो बस ये रेमेडी को आपको सिर्फ 3 दिन अपनाना है और 3 दिन आजमाने से ही आपकी सभी तरह के हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द से ये छुटकारा आपको दिला सकती है, निजात दिला सकती है। बहुत ही असरदार रेमेडी है और सिर्फ 3 दिन के ही इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने काली मिर्च लिया हुआ है। काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर के नाम से भी जाना जाता है, काली मिर्च में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत फायदेमंद होती है ये हेल्थ के लिए, तो इसका सेवन तो जरूर करना चाहिए। तो काली मिर्च आपको सिर्फ 4 या 5 ही दाना लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो काली मिर्च की जहाँ फ़ायदे की बात की जाती है तो ये बहुत बड़ी बड़ी फायदे करती है, तो हमें सिर्फ यहाँ 4 या 5 ही काली मिर्च हमें लेनी अब है। जो इस तरह दूसरी चीज़ से लेनी है वो है अदरक, बहुत ही थोड़ा सा अदरक लेना है, कच्चा अदरक लेना है। आप चाहे तो सौंठ पाउडर भी ले सकते हैं, जो अदरक को सुखा के पाउडर बनाया जाता है, लेकिन ये कच्चा अदरक है, एकदम आधा चम्मच आपको जितना लेना है, ग्रेट किया हुआ आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए जैसे कि ये आपको काली मिर्च का पाउडर बनाना है तो तुरंत में आपको 3, 4 या 5 दाना लेना है इस तरह से देखिए, और तुरंत में उसे कूट के आपको बनाना है, रखा नहीं, पहले से रखा वाला आपको नहीं लेना है, तुरंत में जैसे आप कूट के बनाएंगे तो वो फ्रेश रहेगी और ज़्यादा काम करेगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने 4-5 दाने काली मिर्च को अच्छे से कूट लिया है इस तरह से देखिए, और अब अदरक को भी इसी तरह से हल्का सा ग्रेट करके मैं रख लूँगी, थोड़ा सा आधा चम्मच जितना, तो आधा चम्मच जितना हमें यहाँ ग्रेट कर लेना है इस तरह से देखिए। ये देखिए फ्रेंड, ये ग्रेट कर लिया है मैंने, बस आधा चम्मच जितना आपको लेना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 1 ग्लास दूध डाला है पैन में, 1 ग्लास दूध, आपको गाय का दूध लेनी है, भैंस वैंस का ज़्यादा नहीं लीजिए क्योंकि गाय का दूध ज़्यादा फायदा करती है, तो आधा एक गिलास आपको गाय का दूध लेना है, और इसमें ये काली मिर्च का जो अभी मैंने कूट के रखा हुआ था पाउडर, वो इसमें डाल देनी है, और साथ ही ये अदरक, अदरक भी आधा चम्मच, देखिए आधा चम्मच है ये, और इसे भी इसमें मैं डाल दी हूँ और फ्लेम को ऑन कर दी हूँ, और लो फ्लेम में आपको इसे पकाना है, ठीक है। लो फ्लेम में करीब आपको 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से उबाल लाना है। ये दूध एक बार आप उबाल लीजिएगा, उसके बाद ही आप अदरक डालिए। लेकिन यहाँ यहाँ पे मैं पहले से उबाला हुआ दूध ले रही हूँ इस तरह से देखिए, और उसमें मैंने अदरक भी डाल दिया और काली मिर्च भी डाल दिया है, और ये दोनों को अच्छे से उबाल लेना है। करीब 5 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम में अच्छे से पकाएं, और फिर इसमें आप स्वाद के लिए आप मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री, ये देखिए फ्रेंड, ये मिश्री है और ये धागे वाली मिश्री है, तो ये आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से डाल ले, लेकिन यदि डायबिटीज़ पेशेंट है तो डायबिटीज़ पेशेंट मिश्री का यूज़, चीनी का यूज़, गुड़ का यूज़ ये सब नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए, मैं एकदम छोटा सा पीस इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसे थोड़ा देर में ही मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दूसरे कप में ट्रांसफ़र करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको जब भी इस रेमेडी का सेवन करना है तो आप इस रेमेडी को अच्छे से ठंडा कर लें, ये जो दूध वाली मैंने बनाया है रेमेडी नुस्खा, इसे अच्छे से ठंडा कर लें और छान लें। छानने के बाद जो आपको छलनी में बचा है उसे आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, और ये देखिए ये रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, और इसे बस आप 3 दिन सुबह सुबह आप पीजिए। हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटा के बाद आप इसका सेवन करें, आधा एक, आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी फ्रेंड। ये बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करती है, आपके सभी नसों को खोल देगी, जितने भी ब्लॉक नसें हैं वो भी ठीक कर देगी, बहुत तरह की अंदर में और भी अंदरूनी जो प्रॉब्लम है वो सभी को ठीक कर देगी, और जितनी भी हड्डियों से रिलेटेड दर्द है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक कर देगी, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो,
कहीं भी आपको जॉइंट पेन हो, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको दर्द होती है, कटकट की आवाज़ें आती हैं हड्डियों से, वो सभी दर्द को ये बहुत ही आसानी से खींच लेगी फ्रेंड। 3 दिन में ही आपको ये असर दिखाने लगेगी। आप इसका कंटिन्यू सेवन भी कर सकते हैं। यदि आप गर्मियों के मौसम में इसका सेवन कर रहे हैं तो सप्ताह में 3 दिन करें, फिर दूसरे सप्ताह 3 दिन करें, ऐसे करके आप इसका सेवन करें तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी। आई होप आप सबों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने चाहने वालों को जो शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक जरूर करें ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूँ। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड, ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। Stay safe and stay healthy.